नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। तेज रफ्तार विस्फोटक से भरे कंटेनर ने मारी टाटा मैजिक को टक्कर, हादसे में 12 लोगों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। बुरहानपुर से 50 किलोमीटर दूर हुआ यह हादसा। रायगढ़ के जामगांव सर्कल के कुकरदा वन बीट में मिले नन्हे कोटरी शावक की इंदिरा विहार में हो रही देखभाल, सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना कोटरी शावक। अज्ञात कारणों से चंबल के बीहड़ में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैली। आगरा के थाना मनसूखपुरा क्षेत्र बीहड़ की घटना। तेज रफ्तार विस्फोटक से भरे कंटेनर ने टाटा मैजिक को टक्कर मार दी, हादसे में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बुरहानपुर से 50 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के मलकापुर नेशनल हाईवे नंबर 6 के रासोया कंपनी के पास हुआ। आमने सामने हुई भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि टाटा मैजिक पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। भीषण हादसे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कंटेनर के नीचे दबी मैजिक को क्रेन की मदद से अलग किया गया। सड़क हादसे में 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 6 लोग बुरहानपुर जिले के खकनार स्थित ग्राम नागझिरी के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर विस्फोटक से भरा कंटेनर इतनी तेज गति में था कि चालक उसे नियंत्रित नहीं कर पाया और करीब 50 मीटर तक मैजिक को घसीटते हुए ले गया। इस बीच मैजिक पर कंटेनर का अगला हिस्सा पूरी तरह से चढ़ गया था। मृतकों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे। ये सभी अपने गांव से मजदूरी करने के लिए मलकापुर पहुंचे थे और वहां से टाटा मैजिक में सवार होकर अनुराबाद जा रहे थे। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। बुरहानपुर से तफजुल हुसैन, मुलायम वाला की रिपोर्ट। रायगढ़ के जामगांव सर्कल के कुकरदा वन बीट में मिला नन्हा कोटरी शावक इंदिरा विहार में है। कोटरी शावक जिस दिन मिला था उसी दिन उसका जन्म हुआ था। सुबह होने और ग्रामीणों की हलचल को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि माता कोटरी भाग गई थी और शावक वहीं छूट गया था। नन्हे शावक की इंदिरा विहार में अच्छी देखभाल की जा रही है और ये सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नन्हे शावक की देखभाल इंदिरा विहार में प्रतिमा गुप्ता के कंधों पर है और वो इसकी देखभाल बखूबी तरीके से कर रही हैं। सेफ फॉरेस्ट अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने बताया कि नन्हे कोटरी शावक को बकरी का दूध दिया जा रहा है और इसकी पूरी देखभाल भी की जा रही है। इंदिरा विहार आने वाले सैलानियों के लिए नन्हा कोटरी शावक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नन्हे शावक के साथ खेलने और फोटो खिंचवाने की मानो होड़ लगी हुई है। फिलहाल विलुप्त प्राय कोटरी शावक की इंदिरा विहार में अच्छे से देखभाल हो रही है। अब विभाग इसे कानन पेंडारी भेजने की बात कह रहा है ताकि वहां इसकी और अच्छे से देखभाल हो सके। ये जो शावक है शेड्यूल 3 का जानवर है और अब धीरे धीरे ये बहुत कम दिखने लगा है। यह जानवर 15 मई को वन विभाग को मिला था और 15 तारीख को ही इसको यहाँ इंदिरा विहार लाया गया। एक विशेषज्ञ ने बताया कि इतने छोटे कोटरी को आपको बकरी का दूध देना है तो हमको इसके लिए थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ी कि बकरी का दूध की व्यवस्था करने में। आखिर में हम इसमें कामयाब हुए। यह हमें 15 मई को जामगांव रेंज से प्राप्त हुआ था तथा बड़े अधिकारियों के निर्देशानुसार हम इसका परीक्षण करवाए चिकित्सा से। फिर इसे हम अपने पास इसका पालन पोषण के लिए हमें सौंपा गया तथा इसमें हमारे सेफ फॉरेस्ट के अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। अज्ञात कारणों से चंबल के बीहड़ में भीषण आग लग गई। भीषण आग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देखते ही देखते आग 1 किलोमीटर क्षेत्र से ज्यादा में फैल गई। घटना आगरा के थाना मनसूखपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव कछियारा के बीहड़ की है। आग में जलकर हरे पेड़ों के साथ जीव जंतु भी जलकर राख हो गए। आग लगने के बाद आसपास के सभी गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस और वन कर्मियों को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पहुंची दमकल ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। जंगल में रास्ता नहीं होने के कारण दमकल को आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। फिलहाल आग बुझाने के प्रयास अब भी जारी है। मुझे सूचना ग्रामवासियों से सूचना मिली थी कि बरिंडा वन ब्लॉक में कछियारा ग्राम में आग लग चुकी है।
तो मैं अपनी टीम के साथ वन टीम के साथ यहाँ पहुँचा तथा पुलिस टीम को अवगत कराया और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी तथा अपने उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स में बदहाली रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में एक गंभीर रूप से बीमार मरीज को लिफ्ट से लेकर जाते समय बीच में ही लिफ्ट रुक गई, जिसके चलते अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। लापरवाही का आलम देखिए कि सुरक्षा गार्ड लिफ्ट से लगातार बज रहे सायरन को सुनकर आनन फानन में लिफ्ट खोलने की कोशिश में लगा रहा और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर दौड़ लगाता रहा। उधर 70 वर्षीय गंभीर मरीज ऑक्सीजन मास्क लगाए जीवन और मौत के बीच झूलता रहा। परिजन और स्टाफ लिफ्ट के रुक जाने से घबराए हुए थे, फिर अचानक दूसरे माले में गार्ड ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह दरवाजा खोला। इसके बाद मरीज के परिजनों ने राहत की सांस ली। वहीं इस मामले में जब जिम्मेदारों से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने MICTM के साथ होने का बहाना देकर बात करने से इनकार कर दिया। लिफ्ट के इस तरह से मरीज सहित फंस जाने का ये पहला मामला नहीं है। ऐसे मामले पहले भी सिम्स प्रबंधन के सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिम्स प्रबंधन लिफ्ट पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बिलासपुर से प्रकाश शिवनानी की रिपोर्ट। बीसलपुर में एक महिला को एक अन्य युवक से लिफ्ट मांगना भारी पड़ा। जिस वाहन से वे दोनों जा रहे थे, उस वाहन को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। हादसा बीसलपुर नगर के 12 पत्थर चौराहे पर हुआ। ये खबर हैरत में डालने वाली है कि महिला को लिफ्ट के बदले अपनी जान गंवानी पड़ी। बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव भूषणा में रहने वाले 60 वर्षीय रमेश चंद से गंगा देवी ने बीसलपुर बस स्टैंड तक लिफ्ट मांगी थी। दोनों स्कूटी से जा ही रहे थे, इसी दौरान अज्ञात बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। रमेश चंद मानपुर में हो रहे सत्संग समारोह में शामिल होने जा रहे थे, इसी दौरान गंगा देवी ने उनसे लिफ्ट मांगी थी। रमेश चंद ने गंगा देवी को बस स्टैंड तक के लिए अपनी स्कूटी पर बिठा लिया। इसी दौरान दोनों लोग कुछ ही दूरी पर 12 पत्थर चौराहा पहुंचे ही थे, वैसे ही पीछे से आ रही बस ने उन्हें टक्कर मार दी। इलाज के लिए गंभीर घायलों को अस्पताल लाए, जहां उन्होंने इलाज लेते हुए दम तोड़ दिया। पुलिस बस चालक की तलाश में जुटी है। बरेली जा रही है, तो कैसे एक्सीडेंट हुआ इनका? बस से। अच्छा, बस वाले ने टक्कर मार दी। बस वाले टक्कर, जी वहाँ जा रहे थे, एक्सीडेंट हुई रास्ता में। कहाँ जा रहे थे? कहीं जो है स्थापना होने की मूर्ति की। अच्छा, मूर्ति की स्थापना होने की थी। हाँ। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? बस से। अच्छा, बस ने टक्कर मार दी। हाँ। ये कैसे थे? जी स्कूटरी थे। बीसलपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।